जरा सीन देख लो यार, क्या जबरदस्त हो रहा है। पड़ी है रेलिंग, यहाँ पड़ी है सारी, तोड़ते हुए ट्रक सीधा नीचे। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, टिकट कटा लिए, टोटल कितने 820 रुपए लगे हैं 4 लोगों के। बच्चा हमारा छोटा है, अभी 4 साल से ऊपर का होगा तो उसकी भी टिकट लगेगी। तो हमारा बच्चा अभी सिर्फ 14 महीने का है, तो 13 महीने कंप्लीट कर रहा है, तो फिर उसकी टिकट नहीं ली होगी। अभी टिकट अंदर दे देंगे और उसके बाद फिर ट्रॉली से जाएंगे। ये रही जी ट्रॉली, अभी आप पीछे रहिए और इसी ट्रॉली में अपना बैठ के जाएंगे हम। टोटल टाइम 5 मिनट में शायद ये ट्रॉली हमें ऊपर पहुंचा देगी। कितनी देर में पहुंचेगी ट्रॉली? 5 मिनट में ट्रॉली जो है ऊपर सुरकंडा देवी मंदिर पहुंच जाएगी। और ये ट्रॉली कब स्टार्ट हुई है? एक साल तीन महीने। तो ये अभी 1 साल 3 महीने ही पहले स्टार्ट हुई है ट्रॉली। पिछली बार मैं आया था तो इसलिए हम नहीं गए थे मंदिर, जब हमें पता लगा कि पैदल बहुत चलना पड़ेगा और टोटल कितना है 3 किलोमीटर। देखिए आपको ट्रॉली ऊपर से आते हुए, येलो कलर की ट्रॉलीज हैं, 4 ट्रॉलीज आएंगे, वो आ रही है नीचे भी। और जाना किधर है? वहाँ पर ऊपर, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ ऊपर, यहाँ पे जाना है। लग तो बहुत पास ही रहे, आराम आराम से पहुँच भी जाएंगे, पर पैदल बहुत दूर हो जाता हमारे लिए। जाना मतलब जो ट्रॉली में है ना, अब यहाँ से आपको दिखेगा वो पैदल जाने का रास्ता, तो काफी लोग देखो आप उधर से पैदल भी जा रहे हैं इनफैक्ट। बट ऑब्वियसली पैदल तो यार अब बच्चे के साथ तो मुश्किल ही होता है यार, तो इसलिए हमने ट्रॉली प्रेफर कर ली। ये ट्रॉली रुक सी गई है नीचे, आई एम श्योर उनको ना पैसेंजर और बिठाने होंगे तो इसलिए रुक गई है। बट मैं अगर आपको बताऊँ, अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है यार, सीन ऐसा हो गया था, नैनीताल में ट्रॉली थी तो ट्रॉली बीच में बंद हो गई थी और हेलीकॉप्टर से फिर उनको रेस्क्यू किया गया था बंदों को। तो यू नो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। ऐसी बिहार में एक मंदिर था, वहाँ ट्रॉली थी। अगर मैं आपको वहाँ का बताऊँ तो यार वहाँ का सीन तो बहुत ही स्केरी हो गया था, वहाँ 24 घंटे से ऊपर लोग फंसे रहे थे। मैंने सोचा मैं आपको एक बात बता दूं इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो जब शिव माता सती ने प्राण त्याग दिए थे अपने, तो शिव जी जो है माता सती को लेके जगह जगह जा रहे थे, तो जब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र मारा था तो उसके बाद माता सती के जो टुकड़े हो गए थे जगह जगह, वो अलग अलग जगह पे गिरे थे। तो यहाँ पर माता सती का जो है वो सर गिरा था, तो इसलिए इस जगह को सुरकंडा देवी टेम्पल बोलते हैं, या सुरखंडा, ये अलग अलग नाम है। तो इस टेम्पल को इसलिए सुरखंडा देवी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो माता सती है उनका सर गिरा था। तो ये टोटल जो सिद्ध पीठ है, शायद 51 सिद्ध पीठ है, उनमें से ये एक सिद्ध पीठ है। पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ पे हमें उतरना है। यहाँ से भी आई थिंक थोड़ा बहुत पैदल चलने का होगा, 101 मीटर, तो उतना और चलेंगे, फिर उसके बाद आगे मंदिर पहुंचेंगे। हर हर महादेव, जय माता रानी की। ट्रॉली से उतरने के बाद अब मंदिर की ओर जा रहे हैं। यही है सामने मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 50 मीटर ही है। तो यार ये अच्छी बात है कि ट्रॉली के बाद ज़्यादा उतरना नहीं पड़ा। और यार सामने का व्यू तो ना इस वक्त बहुत ही अमेजिंग है यार, और इनफैक्ट बादल आ गए हैं, वरना प्रॉपर 360 डिग्री व्यू आता है यहाँ से, कि आपको ट्रॉली नीचे जाती हुई दिखेंगी। भाई एक बार को थोड़ा बहुत डर तो लग ही जाता है, कुछ भी कह लो। ये है मंदिर का एंट्रेंस और मंदिर का नाम है सुरकंडा देवी मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यार व्यू तो यहाँ से बहुत अमेजिंग है, आगे मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है यार, यहाँ से जो थोड़ा सा ग्लिम्स है मंदिर का दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ से
जो 360 डिग्री व्यू आता ना बहुत अमेजिंग आता, बट समवट चारों तरफ बादल हैं तो 360 डिग्री व्यू मिल नहीं पा रहा। बट मैं फिर भी एक बार 360 डिग्री व्यू अपने इंस्टा 360 से ज़रूर लूँगा। अभी ये ट्रॉलीज नीचे जा रही है, देखते हैं यहाँ से, अमेजिंग लगेंगी ट्रॉलीज नीचे जाते हुए। अरे बहुत नीचे तक जा रही है यार, पता है नीचे से ऊपर देख रहा था तो ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं है, अब ऊपर से नीचे देख रहा हूँ ना तो समझ आ रहा है यार कितनी नीचे है। जस्ट इमेजिन, वहाँ देख रहे हो आप सबसे नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से आए हैं हम कहीं, तो सोच लो यार कितनी नीचे होगा। आपको ट्रॉली भी दिख रही होगी जाते हुए, इनफैक्ट ये आ रही है और जा रही है, ये आ रही है और ये जा रही है। अब हम चलते हैं कहाँ, मंदिर की ओर। जय शिव शंभू शिव शंकर मंगल महादेव हर हर महादेव। सामने सुरगंडा देवी माता का मंदिर, और यार ये मंदिर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मंदिर है यार, सीरियसली ये बिल्कुल पीक पर है, ये जो चोटी है बिल्कुल पीक पर है। अगर मैं यहाँ पे आसपास कहीं और आपको दिखाऊंगा ना, चारों तरफ तो आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, बहुत अमेजिंग लग रहा है। ये इसकी सराउंडिंग्स है, मैं आपको थोड़ा और ये जाके दिखाता हूँ, जगह जगह जो सराउंडिंग्स है पूरी दिखाता हूँ। तो यार ये यहाँ की सराउंडिंग्स चारों तरफ आप देखोगे, वाह। अभी बादलों की वजह से थोड़ा ऑब्वियसली उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आता, बट बादलों की वजह से ज़्यादा दूर तक कुछ दिख नहीं पा रहे हैं। वरना यहाँ से यार जहाँ मैं आया हूँ ना 2.5 घंटे दूर, वो सिटी तक दिख रही है यार, अमेजिंग, मतलब इतनी दूर तक सिटी दिख रही है यार। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कितना जस्टिफाई हो पाएगा, बट आपको थोड़ा बहुत दिख ही जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है सामने बिल्कुल सेंटर में छोटा सा, तो जी ये है जहाँ से मैं आया हूँ, और 2.5 घंटे का रास्ता था, यहाँ से वो जगह दिख रही है यार। मैं इतनी पीक पे हूँ, मैं कितनी हाइट है इस वक्त 2600 मीटर, जो कि अराउंड 10,000 फीट है। यहाँ से एक और व्यू दिखता है ट्रॉलीज का जो नीचे जा रही है, यहाँ से तो पूरा नीचे दिख रहा है कि ट्रॉली कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है, ये आपको दिख रही होगी। अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग व्यू है चारों तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर और है, ये कौन सा मंदिर है पता नहीं, कुछ लिखा भी नहीं है यार बाहर, समवट थोड़ा सा स्ट्रेंज बात है, यूजुअली लिखा होता है बट लिखा नहीं है यहाँ पर ये मंदिर कौन सा है। और यहाँ से आगे है हमारा भोलेनाथ जी का शिवालय, तो वो तो वैसे भी हम कभी मिस कर नहीं सकते, तो मैं दर्शन करके आ चुका हूँ ऑलरेडी। जय शिव शंभू शिव शंकर हर हर महादेव। और यहाँ बैठे हैं हमारे बजरंग बली। चलते हैं एक बार यार मंदिर की बैक साइड में भी, वहाँ जाके भी देखते हैं वहाँ पर क्या जो है प्रॉपर व्यू आता है। और एक जगह और है, मैं वहाँ भी अभी लेके जाता हूँ वापस कैमरा को, शिवालय के पास में ही, वहाँ से भी बहुत अमेजिंग व्यू आता है। इनफैक्ट यहाँ पे मोबाइल टावर भी है, आई डोंट नो, मोबाइल टावर तो है पर सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैंने एक्चुअली चेक भी नहीं किया यार, क्या ज़रूरत है चेक करने की, ऐसी जगहों पे सिग्नल नहीं चेक किए जाते, ऐसी जगहों पे नेचर को चेक किया जाता है, तो इसलिए फिर सिग्नल चेक करना बनता भी नहीं है। ये है मंदिर का बैक साइड का व्यू, बहुत अच्छा सा बना रखा है यार पूरा ना जो प्रेमिसेस है, बहुत अमेजिंग सा। अगर बादल नहीं होते तो शायद जो व्यू आता है बहुत अमेजिंग आता है, यहाँ से चौखंबा पीक भी दिखती है,
जो केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास में है। ये है मंदिर का बैक साइड। भाई साहब कह रहे थे हमारी वीडियो बना लो, तो मैंने कहा क्यों नहीं जी, बिल्कुल बनाएंगे। तो ये हमें मिले हैं यहाँ पर सुरकंडा देवी माता के मंदिर पे। जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे मैं बता रहा था, सुरकंडा देवी माता टेंपल की हिस्ट्री बेसिकली, यहाँ पर जो है माता सती का सर है, इसलिए ये सुरकंडा देवी नाम जो है इस टेम्पल का पड़ा हुआ है। ये 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ श्री सुरकंडा देवी मंदिर माता का प्राचीन स्वरूप शिला के रूप में विद्यमान है। तो भैया आप कहाँ से आए हुए? हम लोग दिल्ली से। दिल्ली किधर? दिल्ली से हम हैं वसंत विहार। वसंत विहार में भी? अच्छा, हर महीने आते हो? हर महीने। अरे, और हर नवरात्रि में भंडारा। अरे क्या बात है, नवरात्रों में भंडारा लगातार। अच्छा, तो हर महीने आप आती आते हो? हाँ, अरे बहुत क्या बात है यार, मैं तो पहले यहाँ में पहली बार आ रहा हूँ। हम हर महीने आते हैं, एक महीना कंप्लीट होते ही इधर आते हैं सीधा। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। भाई साहब मिले, ये हर महीने आते हैं यार दिल्ली से, मतलब मानने वाली बात है भाई। तो यहाँ पर है हमारे शिवालय और भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। तो यार यू नो, ये ऐसा कुछ हो तो बनता ही है, देखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जय शिव शंभु शिव शंकर, जय माँ सुरकंडा देवी की। तो जी अब यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ अब जाएंगे, नीचे पहले ट्रॉली की ओर, फिर ट्रॉली से जाएंगे घर की ओर। अभी तो घर दूर है, 2.5 घंटे लग जाएंगे कम से कम पहुँचने में। तो अभी पहले चप्पल पहनते हैं और फिर ट्रॉली की तरफ बढ़ते हैं। हर हर महादेव कर लिए हैं कहाँ के दर्शन, सुरकंडा माता टेंपल के। मुझे बार बार चंद्र बदनी याद आ रहा है, क्योंकि मैं चंद्र बदनी हो गया था इससे पहले। तो अब सुरकंडा देवी भी कर लिया है, काफ़ी सारे 51 सिद्ध पीठ है, तो उसमें काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब मैं आ गया हूँ वापस यहीं पे, कहाँ है जहाँ पे ट्रॉली का वेटिंग एरिया है, और यहाँ से जाएंगे नीचे की तरफ, वेट करते हैं ट्रॉली के आने की। ट्रॉली आ गई है, आई गेस इसी ट्रॉली में हम बैठ के जाएंगे अब नीचे की तरफ। कभी कभी ना बीच में ट्रॉली रुक जाती है, तो जब रुकती है ना ऐसा लगता है भाई फंस तो नहीं गई, क्योंकि यार इतनी सारी न्यूज़ में इंस्टेंसेस देख लिए ना, कभी ट्रॉली कहाँ फंस जाए, कभी कहाँ फंस जाए, तो थोड़ा सा डर सा बना ही रहता है भाई। बादल हो गए हैं चारों तरफ, नीचे कहीं कुछ नहीं दिखने वाला अब। कर लिए हैं हमने दर्शन, और ये भैया हमें पहले भी मिले थे, एक बार दोबारा मिल गए हैं। ये मैं बता रहा हूँ हर महीने आते हैं यार, जो कि आसान नहीं है, सीरियसली। मैं हैट्स ऑफ करेंगे इस बार ना भंडारा। अच्छा, के सामने। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, मेरी गाड़ी यहाँ से है, आगे की तरफ थोड़ी खड़ी है। चंद्रबदनी यार बार बार मुँह में आ रहा है, क्योंकि मैं लास्ट चंद्रबदनी गया था। तो ये है सुरकंडा देवी टेम्पल, सुरकंडा माता का मंदिर। तो यहाँ दर्शन हो चुके हैं, अब गाड़ी है मेरी आगे खड़ी, और फिर गाड़ी लेके इसी वापस रास्ते पे आना है, और उसके बाद इसी रास्ते से घर जाऊंगा। यार मसूरी वाला रास्ता तो बेकार है यार, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता, तो कोई पॉइंट नहीं है
कि मसूरी से देहरादून की जो रोड है ना यार, वो बहुत बुरी है, मतलब टू मच ऑफ ट्रैफिक। तो फिर ऑब्वियसली कोई सेंस बनता नहीं कि मैं उधर से ट्रैफिक से जाऊँ, तो मैं अपना सीधा इसी रस्ते से धनौल्टी से होते हुए कनातल, एक्चुअली धनौल्टी तो यही है, तो कनातल होते हुए और फिर कनातल के बाद वहाँ से नरेंद्र नगर और फिर अपने घर की ओर। तो अभी तो लग जाएंगे यार 2.5 घंटे पहुँचने में। आई डोंट नो अब कहीं रुक के खाना खाना है नहीं खाना, गाड़ी अभी दूर है यार, पास नहीं है। मैं सोचता था आ गया नंबर, पर गाड़ी दूर दिख रही है, गाड़ी लेके आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्या नाम है यार आपका? ध्रुव। और आपका क्या नाम है? रुद्र। अरे यार नाम बड़ा जबरदस्त है भाई, ध्रुव भी अच्छा नाम है पर रुद्र और अच्छा नाम है। मेरे बेटे का नाम रुद्राक्ष है। तो ये मुझे अभी मिले और अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल का नाम है लकी टू ड्राइव, LUCKY2DRIVE। वहाँ सामने आपको मेरी गाड़ी दिखेगी, गोरखा एक अलग से खड़ी हुई है, तो मेरी गाड़ी भी है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार अपनी गाड़ी की तरफ, जाते हैं और आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा लगता है यार आप व्लॉग बना रहे हो, कहीं जा रहे हो एंड यू नो ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई मिले, कोई आपसे बात करे, तो इट फील्स गुड। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है यू नो, जब से मैंने स्टार्ट किया है तो सीरियसली मतलब आई लव दिस कि यार कोई ना कोई मुझे मिलता है, कोई ना कोई बात करता है, तो यार अच्छी फीलिंग आती है। घर आ जाइए अपना टैंक और अब टैंक में घुसने की तैयारी, टैंक से जाना है घर। आगे का सीन देख लो यार क्या जबरदस्त हो रहा है, बादल ही बादल है यार और हम काफ़ी हाइट पे हैं। हाइट की बात करूं अभी है 2363, जब मैं ऊपर पहुंच गया था ना वहां पे सुरकंडा देवी मंदिर, तो हाइट हो गई थी 2600 मीटर, तो 300 मीटर और ऊपर था वो। तो यार बढ़िया यार, मज़ा आ गया देख के भाई साहब, क्या एक नंबर। मैं आया कि क्यों ना एक बार रुके ना आपको एटलीस्ट व्यू दिखा दूं, व्यू बहुत अमेजिंग है यार सारा का सारा। वाओ ये जो जगह है ना जहाँ पर मैं हूँ अभी, ये है कनातल और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है चंबा। हालत ख़राब हो गई है, 4 बजे का उठा हुआ, ऑलरेडी 12 बज गए हैं, तो कितना टाइम हो गया यार, कितने 8 घंटे हो गए, माय गुडनेस। मैंने कहा रुक के खाना वाना खा लो, कहीं और रुकेंगे फिर से टाइम वेस्ट होगा यार, यहीं खा लो इससे बढ़िया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये रेस्टोरेंट कौन सा रेस्टोरेंट है। तो ये है सामने तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट है रेस्टोरेंट का नाम और ये पड़ता है चंबा से थोड़ा सा आगे, यहीं पर अब खाना खाएँगे हम बैठ के और देखते हैं क्या क्या मिलता है अंदर चल के। है जी रेस्टोरेंट, पर मैं बैठ के खा रहा हूँ कहाँ, यहाँ बाहर, और ये अंदर का एरिया। तो ये पड़ता है चंबा सिटी से वापस आते हुए ऋषिकेश की साइड थोड़ा सा आगे की तरफ, तो देखते हैं अब खाना कैसा होगा यहाँ का। वैसे रेस्टोरेंट सही है, नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है, तो अब बस वेट कर रहा हूँ खाना आएगा, फिर खाना खाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। रेस्टोरेंट का नाम मैंने जैसे बताया कि क्या है, तंदूरी नाइट्स। यार मैंने चाउमीन मंगाई थी साथ में राजमा चावल, आधे से आधे तो ख़त्म हो गए हैं, थोड़े से बचे हैं, तो मैं भूल ही गया था एक्चुअली बताना। तो बस अब ये खा के अब यहाँ से सीधा पहुँचना है घर। हर हर महादेव। तो यहाँ मैं रुका था तंदूरी नाइट्स रेस्टोरेंट में, खाना बढ़िया था यार, चाउमीन खाई थी, वैसे चाउमीन मुझे हर जगह पसंद नहीं आती बट अच्छी थी। अब कोई स्टॉप नहीं होगा, अब यार 1 घंटा और लगेगा आई गेस यहाँ से सीधा घर पहुँचने में, कहाँ अपने घर जो कि है रानी पोखरी के पास। बस अब वहीं पहुँचते हैं हमें अपने घर, और आई गेस अपार्ट फ्रॉम दैट यार मंदिर रिकमेंड ज़रूर करूँगा जाके आना। बादल थे तो पूरा मुझे अच्छा व्यू नहीं दिखा, अगर बादल नहीं होते ना वहाँ से जो 360 डिग्री व्यू दिखता है ना वो बहुत अमेजिंग होता, पर अभी समवट अच्छा व्यू मिला नहीं, बट बादल थे तो इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाए। बट यार मेन तो ये था कि माता रानी के दर्शन करने थे और सिद्ध पीठ है तो इसलिए जाना ज़रूरी था, काफ़ी टाइम से सोच रहा था तो अब मैं चला गया इसलिए इस बार वहाँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोप वे बन गया है, तो
जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनको सिर्फ 100 मीटर चलना है, उसके बाद तो फिर आराम से आप रोपवे से केबल कार लो और आराम से पहुंच जाओ। तो अभी आगे सामने है ये रोड और ये रहा मेरे बच्चे का कोकोमेलन जो यहाँ चल रहा है, और बच्चा पीछे बैठा हुआ है कोकोमेलन देख रहा है आराम से और शांत हो रखा है। और सामने ये हमारी रोड है और हम पहुँच रहे हैं घर। यार मैं ना गाड़ी से उतरा, मैंने कहा आपको एक चीज़ दिखाऊं भाई, जो सीन हुआ है ना बड़ा भयंकर सीन हुआ है, मतलब पीछे से ही हुआ होगा मेरे को ऑब्वियसली जो लगता है वो सीन क्या हुआ होगा, यहाँ से आया होगा ट्रक काफ़ी स्पीड में होगा और आते हुए ना जब वो आया होगा स्पीड में तो उसने उसके बाद क्या किया होगा, वो अपना ब्रेक जो है मतलब यू नो कंट्रोल नहीं रहा होगा ट्रक पे, और भाई ये रेलिंग सारी तोड़ते हुए, यार ये यहाँ पड़ी है रेलिंग, यहाँ पड़ी है सारी तोड़ते हुए ट्रक सीधा नीचे। और सबसे बड़ी बात यह है ट्रक शुक्र है यहीं पहुंचा, ये अगर थोड़ा सा और नीचे पहुंच जाता ना तो ये गिर जाता यहाँ खाई में, वहाँ नीचे पूरा खड्ड है यार बहुत ज़बरदस्त वाला, पर बच गया भाई ये यहाँ तक ही आया। अब उसके बाद ना क्या कहते हैं यहाँ पे, अब ये देखो यार ये ट्रक यहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, और अब देखो वो सामने ना वहाँ से क्या कहते हैं वो ट्रक है वो रिकवरी करेगा, और रिकवरी करते हुए यहाँ से इसको ऊपर खींचेगा, मतलब भैया ये ट्रक खींच लेगा ऊपर, ये वैन खींच लेगी ट्रक को ऊपर हैं। ओ भाई साहब ये जो वैन है ना वो जो उधर रिकवरी वैन ये आई है और ये ट्रक को खींच लेगी यार, मतलब वो चेन बांध रहे हैं और वो खींच लेगी, मतलब कितना टन तक खींच लेती है। अच्छा और मतलब ये इतना बड़ा ट्रक इतना भारी ट्रक खींच लेगी बिना किसी दिक्कत के, भाई साहब तो देख लो यार ये रिकवरी वैन है और जरा सी लग रही है और ये इतना बड़ा ट्रक खींच लेगी अभी चेन से। पर भाई हाल तो बड़ा बुरा हुआ है, अभी बिल्कुल रिसेंट हुआ क्योंकि मैं अभी सुबह निकला था यहाँ से, तब तो यहाँ कुछ था नहीं ऐसा, अभी अभी हुआ है भाई खतरनाक, मतलब क्या स्पीड से आया हुआ वहाँ से और ब्रेक लगी नहीं होगी इससे बिल्कुल भी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते सीधा नीचे, बस किस्मत अच्छी थी कि नीचे नहीं गया, थोड़ा सा और नीचे जाता ना वहाँ पे तो भाई साहब ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता, फिर तो ये रुकता ही नहीं, बस ये किस्मत ही बढ़िया थी इस बंदे की जो भी था भाई बच गया यहीं तक। भाई गॉड अब ये ट्रक से खिंचवाएंगे भाई ये रिकवरी वैन से, यार कोई छोटी बात नहीं है, मतलब जरा सी रिकवरी वैन दिख रही है और ये खींच देगी भाई पूरा का पूरा। मैं घर पहुंच गया हूं और थोड़ा थक गया हूं क्योंकि यार ऑलमोस्ट टाइम क्या हो रहा है यार 3 बज गए हैं, तो 4 बजे मैं उठ गया था, 4 से पहले ही उठ गया था, 12 घंटे हो गए यार, था तो पास ही यार 2.5 घंटे जाना 2.5 घंटे आना, 5 घंटे तो हुए हो गए, बाकी 7 घंटे कहाँ लग गए समझ नहीं आ रहा यार। बीच में आश्रय रुके भी थोड़ा थोड़ा, घर वालों को सब्जियाँ लेनी थी खाना वाना था, तो फिर जाते हुए रुके खाने के लिए आते हुए रुके खाने के लिए, तो आई गेस इसी में सारा टाइम लग गया, और पहुंचने में भी 2.5 घंटे नहीं लगे 3 घंटे ज़्यादा लगा ही होगा, क्यों क्योंकि ऑब्वियसली यार बीच में रुक के मेरे को व्लॉगिंग भी करनी होती है तो एक ये भी सीन है। बट मंदिर बहुत अच्छा था और जाना चाहिए आप सबको एक बार, वैसे भी जैसे मैंने बताया कि सिद्ध पीठ है ये और पार्वती माता का मंदिर है, तो एक बार ज़रूर बनता है जाना, और बहुत ही ब्यूटीफुल है यार आसपास सारा का जो वो है ना मतलब व्यू अमेजिंग है। तो अब बस मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करें अगर अच्छी लगे तो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, हर हर महादेव।